स्टूडेंट्स वेलकम बैक। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमने क्या पहले डिस्कस किया है, अगर आपके पास तीन ओनर्स हैं ए बी सी एक्स वाई जी व्हाटसोएवर, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उनका प्रॉफिट हुआ 30,000 और हमने अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग दी ऑल द पार्टनर्स। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव, अब इसी प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो क्या है कि इन्होंने 3,00,000 टोटल इन्वेस्टमेंट की है, अब उसमें 3,00,000 में 150,000 इन्वेस्टेड बाय द ए, 50,000 इन्वेस्टेड बाय द बी एंड द सी इज इन्वेस्टेड 100,000। अब इसके मुताबिक जो कैपिटल की रेशियो है उसके मुताबिक हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सबसे पहले हमने कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करनी है। अगर इसमें से हम 3 ज़ीरोस को इग्नोर कर दें, इट मीन्स कि ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, वो 150 है, बी की इन्वेस्टमेंट जस्ट 50 है और सी की इन्वेस्टमेंट कितनी है 100। हमने 3 ज़ीरोस को या 1,000 की फिगर को जो है वो इग्नोर कर दिया है, वी आर कंसीडरिंग जस्ट 150, 50 और 100। इसको डिवाइड करना है टोटल कैपिटल के साथ। टोटल कैपिटल कितना है हमारे पास, 300 डिवाइडेड बाय 300। तो ये हमारे पास जो है वो रेशियो है ए बी और सी, और जो इसका आंसर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, अपने प्रॉफिट के साथ। कि ये हमारे पास क्या आ गई है, कैपिटल की रेशियोज आ गई फॉर ए फॉर बी फॉर सी और एक्स वाई जी व्हाटसोएवर। तो अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 18,000 के साथ, कि जो प्रॉफिट हुआ है वो 18,000 है। तो ए का शेयर जो होगा वो कितना होगा प्रॉफिट में, 150 डिवाइड बाय 300, आंसर आता है ऑलमोस्ट हमारे पास 9,000। मींस कि टोटल प्रॉफिट में से 9,000 एज पर हिज कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेशियो वो कितना होगा, वो ऑलमोस्ट 50% बनता है। तो आपके 18,000 का 50% कितना बन जाएगा आपके पास, वो 9,000। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास जो है वो बी की इन्वेस्टमेंट है, तो बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल बी ने किया है 50,000। तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके मुताबिक उसका जो शेयर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 3,000। और इसी तरह सी की भी कैलकुलेशन करेंगे, सी की जो कैलकुलेशन है वो 100 डिवाइडेड 300 मल्टीप्लाइड बाई 18,000, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 100,000। तो उसका जो प्रॉफिट में से शेयर होगा वो कितना होगा, वो 6,000। और अगर हम इसको टोटल करते हैं तो द स्टिल द टोटल इज 18,000। फर्स्ट स्टेप में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया कि ए बी सी का प्रॉफिट हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, एवरी वन इज गेटिंग 6,000 6,000 6,000। लेकिन ऑब्वियसली इट इज़ नॉट जस्टिफाइबल, किसी ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने कम इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके मुताबिक उसके शेयर भी हो सकता है कि वो ज़्यादा या कम उसको दिया जाए, प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो जो सेकेंड ऑप्शन है हमारी, हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। अब एक और ऑप्शन हमारे पास हो सकती है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के हवाले से, वो क्या है, एग्रीड रेशियो। अब एग्रीड रेशियो का क्या मतलब है कि हो सकता है कि ए ने इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा की है लेकिन जो बी है उसकी इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन वो बिजनेस को टाइम दे रहा है। टाइम दे रहा है मींस कि ए के पास इन्वेस्टमेंट तो है, कैपिटल तो है, ओनरशिप तो है, बट उसके पास कोई स्किल नहीं है। लेकिन बी के पास इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन उसके पास स्किल ज़्यादा है, तो हो सकता है वो चाह रहे हो कि हम बी को जो है वो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट दें, क्योंकि वो बिज़नेस के लिए काम भी करता है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है या किसी और रीज़न की वजह से। सेम इस तरह जो सी है या जेड है उसकी भी मार्केट में रेपुटेशन की वजह से, उसके पास कोई स्पेसिफिक स्किल की वजह से या कोई और रीज़न हो सकती है कि वो प्रॉफिट में से शेयर अकॉर्डिंग टू कैपिटल ना लें। वो क्या करते हैं कि हम प्रॉफिट के मुताबिक नहीं, सॉरी कैपिटल के मुताबिक उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उसको हम अकॉर्डिंग टू एग्रीड रेशियो। अब एग्रीड रेशियो कौन एग्री करेगा, ऑब्वियसली ए बी सी आपस में बैठेंगे और जो रेशियो वो एग्री कर लेंगे उसके मुताबिक प्रॉफिट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे। फर्ज करें कि हम ये कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:3:5, मीन्स कि जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से 2, 3 और 5 की रेशियो, मीन्स कि ए विल गेट हाउ मच,
बी विल गेट हाउ मच एंड सी विल गेट हाउ मच, 2, 3, 5 ये रेशियो है। ऑब्वियसली ये कोई फिक्स नहीं है, ये हर बिजनेस जो फर्म है वो अपने पार्टनर्स आपस में बैठ के इसको डिसाइड कर लेंगे, और इफ ऑल द पार्टनर्स आर एग्रीड सो इस रेशियो के मुताबिक प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब इसमें रीजन क्या हो सकती है, ए ने इन्वेस्टमेंट तो की है लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं है, सिर्फ उसका कैपिटल दे रहा है, लेकिन बी और सी जो है उनके पास जो है वो, बी के पास स्किल भी है लेकिन बी की इन्वेस्टमेंट कम है, सी ने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा की है प्लस उसके पास हो सकता है कोई स्किल भी ज्यादा हो, उसके मुताबिक उन्होंने 2, 3, 5 के मुताबिक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर। अब ये 2, 3, 5 के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, आपके पास सिंपली वही रूल है कि हमने यहाँ पे यूज किया था कि आपने सबसे पहले देखना है इन रेशियोज की जो वैल्यूज है इनका टोटल कितना है। इसका टोटल हमारे पास आता है 10, 2 + 3 + 5 = 10। अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी और सी में, उसमें क्या होगा कि हम ए बी सी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए का कितना हिस्सा होगा 2/10, तो ए बी और सी 2/10, 3/10 एंड 5/10 मल्टीप्लाइड बाय ऑब्वियसली द टोटल प्रॉफिट। द टोटल प्रॉफिट दिस ईयर वाज 18,000। Means out of total profit, C is getting how much? 9,000. 5,400. Who is getting the? B is getting 5,400. Or C, the C is getting almost 20%. So that is how much? That is 3,600. And again, if we get the total is 18,000. Okay, चाहे हम equally distribute करें total profit को, the total profit जब A, B, C में distribute हो जाएगा तो उसका amount होगी 14,000 ही आएगी। Secondly, हमने उसको equally distribute नहीं किया, उसको according to capital ratio distribute किया तो वो 9, 3 and 6 आ गई, लेकिन total still 18,000. Third option हमारे पास क्या है कि हमने उसको एग्री रेशियो जो आपस में पार्टनर्स ने एग्री कर ली थी उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो स्टिल दैट इज ए बी सी और अमाउंट में टोटल जो है वो आपके पास 18,000 ही आ जाए। तो ये हमारे पास जो है वो 3 ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट ऑफ ऑल इफ देयर इज नो एग्रीमेंट दे विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, सेकेंड ऑप्शन हम डिस्कस की कैपिटल रेशियो, और थर्ड ऑप्शन ये है कि हमारे पास एग्री रेशियो के मुताबिक उस प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई होप आपको इस बेसिक कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ सैलरीज का, कुछ ड्राइंग्स का, कुछ लोन का, इन चीज़ों को एडजस्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसकी जो है वो जनरल एंट्रीज किस तरह होती हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।